टाइम आदमी विविध भारती अनाउंस कर सकते जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात, मौत एक पल है बाबू मशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। हद कर। प्यारे दोस्तों, अभी आपने छोटी सी क्लिप में इन दो एक्टरों की एक्टिंग देखी। दोस्तों, इसी दौर में 1960 से लेकर 1969 तक चार स्टार ने रखा बॉलीवुड में कदम और एक ने रचा इतिहास और दूसरे ने लगातार दे डाली 13 फ्लॉप फिल्में। दोस्तों, इसी से जुड़ा किस्सा सुनाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी गढ़ पर, जहां पर फिल्म और मनोरंजन जगत की जानकारियां आपको दी जाती हैं। तो दोस्तों, आइए इस पर आपको किस्सा सुनाते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ऐसी बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबरें आपको सुनाते रहते हैं, तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन फिल्मों तक का सफर काफी शानदार रहा है। इंडस्ट्री में अलग अलग दौर में कई ऐसे सुपरस्टार आए जिनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि दुनिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी ऊंचा किया। साल 1960 से लेकर 1973 तक इंडस्ट्री में राजेश खन्ना से लेकर धर्मेंद्र तक कई ऐसी महान हस्तियों ने कदम रखा जिनके निभाए किरदार लोगों के जहन में अमिट छाप छोड़ गए हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की शुरुआत से लेकर अब तक अशोक कुमार या दिलीप कुमार जैसे कई टैलेंटेड स्टार आए जिन्होंने अपने किरदारों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी रोशन किया। साल 1960 से लेकर 1969 तक चार ऐसे अभिनेताओं ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा जिनका अतुलनीय योगदान शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। आइए जानते हैं उन चार स्टार के नाम। दोस्तों, साल 1960 में बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी पारी की शुरुआत की, हालांकि उनकी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र डेब्यू फिल्म से भले ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा ना किया हो लेकिन दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान जरूर बना ली थी। यही वजह थी कि साल 1966 में जब उनकी फिल्म फूल और पत्थर ने सिनेमा घरों में दस्तक दी तो वह रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने सत्यकाम, कर्तव्य, शोले और आंखें जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जिन्होंने 23 साल की उम्र में साल 1966 में फिल्म आखिरी खत से अपने सिने करियर की शुरुआत की। काका ने पहली फिल्म से ही एक्टिंग का लोहा बनवा दिया लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वह शर्मिला टैगोर के साथ आराधना में नजर आए और उनकी इस फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया। दोस्तों, इसके बाद तो जैसे राजेश खन्ना की एक्टिंग की गाड़ी को ट्रैक मिल गया हो और उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसी धाक जमाई कि साल 1969 से लेकर 71 तक बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जादू चलाया कि बैक टू बैक 17-16 हिट फिल्में देकर रिकॉर्ड बना दिया जो अब तक कायम है और उनके जैसा स्टारडम आज तक किसी स्टार को नहीं मिल पाया। दोस्तों, इंडस्ट्री में सनी के महानायक के नाम से पहचाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने साल 1966 में सात हिंदुस्तानी नाम की फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था लेकिन उनकी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग तक छोड़ने का मन बना लिया था क्योंकि इसके बाद लगातार 13 फिल्में फ्लॉप दी थी। लेकिन साल 1973 में जंजीर जब मूवी आई उनकी तो उन्होंने अपने एक्टिंग का जलवा दिखा दिया और फिर कभी भी पीछे पलट कर उन्होंने नहीं देखा। इंडस्ट्री के वो हैंडसम स्टार विनोद खन्ना भी रहे हैं जिन्हें करियर की शुरुआत में लोगों ने एक्शन हीरो के रूप में लोगों के दिलों में बस गए थे लेकिन अपने फिल्म करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर विलेन के रूप में की थी। साल 1969 की फिल्म मन का मित्र से डेब्यू किया। दिन भर से ज्यादा फिल्मों में विलेन बने। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में तो धर्मेंद्र के अपोजिट नजर आए लेकिन पहचान साल 1971 में फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल निभा कर मिली थी। तो दोस्तों, ये थे चार कलाकारों के नाम जो बॉलीवुड में कदम रखा और उनके रिकॉर्ड सामने बताए। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।